ओला ओला कोमो स्तान। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी रिसेंटली एक मेल आया है IITF की तरफ से, तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या है एग्ज़ाम का अपडेट। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो बता रखी कि कैसे आप टूरिज़्म में जो गाइड का लाइसेंस होता है, जिसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है IITF मतलब टूरिस्ट फैसिलिटेटर, मतलब बेसिक कोर्स। उसके बाद है IITG। IITG की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ उसके मॉड्यूल आ रहे हैं, आप इनरोल करा सकते हैं अगर आपने पहले बेसिक IITF कर लिया है तो। दूसरी चीज़, मैं टूरिज़्म ऑफिस में काम नहीं करता हूँ, तो मुझे जो इंटरनेट के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन ईमेल आते हैं, मुझे बस वही जानकारी है। अगर आपका फॉर्म नहीं भर पा रहे हो तो आप प्लीज़ उनको ईमेल करो। दिल्ली में रहते हो तो IITF या इंडिया टूरिज़्म ऑफिस है जनपथ पे, आप चले जाओ वहाँ पे जानकारी आप ले लो। मुझे कुछ भी नहीं पता कि आपके मॉड्यूल में टिक का मार्क क्यों नहीं आ रहा, आपकी वेबसाइट स्लो चल रही है, आपके मॉड्यूल नहीं खुल रहे हैं, आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, बिल्कुल भी मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। आपकी कॉल्स आती है, मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा कुछ भी इसमें रोल नहीं है। ठीक है, मैं गवर्नमेंट ऑफ या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का एम्प्लॉय बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कैसे काम चल रहा है। मैं बस एक जानकारी देता हूँ क्योंकि इंटरनेट पर बहुत कम जानकारी मौजूद है। अभी पिछली बार एक तो एग्ज़ाम लेट में हुआ, और एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट भी आ गया लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना, और दूसरे एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। ना व्हाट्सएप ग्रुप बना है पिछले एग्ज़ाम की, ना ट्रेनिंग हुई है, लेकिन ये एग्ज़ाम आ चुका है। अब क्या है, पहले तो एग्ज़ाम की जो डेट आई थी वो अब बढ़ गई है, तो पहले थी 8 जुलाई 2024, अब है मिडनाइट 16 जुलाई 2024 तक। ये सातवां IITFC ऑनलाइन बेसिक कोर्स एग्ज़ामिनेशन हो चुका है, और जैसे आप 500 रुपये दे के एक स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसका फॉर्म भर सकते हो। इसमें दो स्टेट आप और चूज़ कर सकते हो, जिसके लिए भी आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब तीन स्टेट चूज़ करते हो तो 1500 रुपये। पिछली बार अगर मान लो आप बेसिक पास हो गए थे, दूसरे किसी में फेल हो गए, तो आप दूसरे वाले स्टेट का भी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो कि इन दो स्टेट को सेलेक्ट करने से क्या होगा, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यदि किसी को इस चीज़ की जानकारी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमारे जैसे और साथी लोग जो टूरिज़्म में करियर बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल अवेयर हो सकें। ठीक है, हम लोग एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करें। फिर ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप OCC सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। और एक और चीज़, जिन्होंने भी अभी तक बेसिक एग्ज़ाम या बेसिक कोर्स में इनरोल नहीं किया है, प्लीज़ कर लो, क्योंकि आपको ये बैज मिलने तक, मैं आपको दिखा देता हूँ, बैज मिलने तक आप लोगों को कम से कम 1.5-2 साल का समय लग सकता है। ये देखिए, तो मैं अभी हूँ मनाली में, और यही टूरिज़्म की बदौलत मैं थोड़ा घूम पा रहा हूँ लोगों के साथ में। तो ये है IITF। ठीक है, तो ये आप ईमेल पढ़ लीजिएगा कि लिखा भाई डाउनलोड OCC सर्टिफिकेट बेसिक कोर्स बिफोर 7th July 2024। ठीक है, तो जिन्होंने, आज तो है 10 जुलाई, तो जिन्होंने भी कर लिया OCC तब तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया आई एम सो सॉरी फॉर यू, क्योंकि फिर भी देर नहीं हुई है, अगले वाले में भर लो, लेकिन भर ज़रूर लो। ठीक है, लिखा हुआ है कि एक्सेस डाउनलोड द OCC सर्टिफिकेट ऑफ द बेसिक कोर्स ऑन बिफोर मिडनाइट 7 जुलाई। प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट हु डाउनलोडेड देयर OCC सर्टिफिकेट आफ्टर दिस डेडलाइन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अपकमिंग एग्ज़ाम। जिन्होंने IITF का ये एग्ज़ाम देना है, अगर उन्होंने OCC सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है तो भूल जाइए कि आप इस एग्ज़ाम दे पाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप कर लीजिएगा। मतलब OCC सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रखे रहो पहले से, जब भी आए भर दो तुरंत, है ना, वेट ना करो। फिर उसके बाद है कंप्लीट द ऑनलाइन एग्जाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, वही जो मैंने कहा 500 रुपये और स्टेट के हिसाब से। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट हु अपेयर्ड इन प्रीवियस ऑनलाइन एग्जाम्स, कैंडिडेट हु फेल्ड, जो बता रखा है मैं जनरल प्लस कंपलसरी स्टेट में, जो फेल्ड हुआ शुड रजिस्टर अगेन, मतलब अगर जिन्होंने बेसिक एग्जाम फेल हुआ तो वो पूरा फिर से रजिस्टर करें, और जिन्होंने सिर्फ क्या नाम है जो एडिशनल स्टेट में फेल हुए हैं, तो वो आप सिर्फ एडिशनल स्टेट भर के भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैंडिडेट मैं ये स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, कैंडिडेट हु हैव पास्ड प्रीवियसली IITFC ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड इंटेंटेड टू अपेयर इन एडिशनल स्टेट मॉड्यूल में चूज मैक्सिमम 2 न्यू एडिशनल स्टेट।
वो दो से ज़्यादा स्टेट आप चूज़ नहीं कर सकते। फिर ये पूरा लिखा हुआ है कि प्लीज इंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट अपलोडेड सेल्फ असिस्टेड, मतलब सेल्फ अटेस्टेड जो है वो साइनमेंट करके खुद ही से फोटो खींच के उसको अपलोड कर देना। अगर नहीं कर पाए हो तो मेरे को नहीं मालूम है कि आप दोबारा कैसे करोगे, प्लीज़ आप उनको ईमेल करिए, इन्होंने ईमेल आईडी अपनी दे रखी है, आप उसको ईमेल करिए, उनसे जानकारी लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद है, हाँ, सो मैनी रिजल्ट रिजेक्शन कैंडिडेट एग्जामिनेशन फीस विल नॉट एग्जामिनेशन फी रिफंड नहीं की जाएगी। कैंडिडेट्स कैन अपडेट एग्जाम रजिस्ट्रेशन डिटेल यूजिंग द एडिट डिटेल्स बटन रिव्यू पेज बिफोर फाइनल सबमिशन, ठीक है, फाइनल सबमिशन से पहले एक बार चेक कर लो। फिर काइंडली इंश्योर दैट ऑल डिटेल्स एंटर्ड इन द ऑनलाइन एग्जाम रजिस्टर्ड फ्रॉम द एक्यूरेट एज चेंज विल नॉट बी पॉसिबल फॉर आफ्टर द फाइनल सबमिशन, ठीक है, आफ्टर फाइनल सबमिशन कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा। फाइनल अपडेट प्लीज कॉन्टेक्ट, ठीक है भाई, ईमेल कर लेना, ठीक है, क्या है ईमेल आईडी, IITFC exam1, ठीक है, फिर @IITMNoida है ना, फिर .ac.in, ठीक है। तो ये आप ईमेल आईडी आपकी, आप इसको भर दो। और टूरिज्म में करियर बनाने के लिए एक और चीज़, एग्ज़ाम सिर्फ पास करने से ही आपको क्लाइंट नहीं मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको अपने अंदर स्किल पैदा करनी पड़ेगी। इंग्लिश हिंदी सब कोई बोल लेता है, लेकिन आप एक फॉरेन लैंग्वेज ज़रूर सीख लीजिए अगर आप टूरिज्म में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो। इफ़ यू हैव लाइक फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी सीख लो, स्पेनिश सीख लो, स्पेनिश मैं सिखाता हूँ, अगर मेरे से सीखना है तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आवर लैंग्वेज स्कूल नाम से एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। दूसरी चीज़, आप दूसरे सोर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्रेंच आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जर्मन इस्तेमाल कर सकते हैं, और इवन थाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो एशियन लैंग्वेज में से एक है, चाइनीज़ या फिर जापानीज़ है ना, लेकिन स्पेनिश मैं सिखाता हूँ तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। स्पेनिश का बहुत क्रेज़ है, 20 देशों से ज़्यादा ऑफिशियल कंट्रीज़ में ये बोली जाती है लैंग्वेज, 500 मिलियन ज़्यादा लोग हैं। आप ऋषिकेश जाओ, आप आगरा जाओ, आप जयपुर जाओ, आप उदयपुर जाओ, आपको भरमार टूरिज्म मिलेगा, मतलब भरमार लोग मिलेंगे स्पेनिश बोलने वाले, ठीक है, इवन होटल्स के नाम भी स्पेनिश में है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे दुआएं दीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी शुभकामनाएँ मुझे दीजिएगा, और कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके टूरिज़्म को हम लोग अच्छा बनाएँ। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्लीज़ IITF के पेज पे जाके विज़िट कर सकते हैं, और अगर आपको स्पेनिश से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय, अडियोस, कुदाते मुचो।